नरेंद्र भाई को पूछो ना, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती थी पर आजकल तो बातचीत होती नहीं है। मेरे खेत से सब्जी आती, मेरे घर में आकर भी खाते थे, और एक साल नहीं हमारा 25-30 साल तक था, इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस लिया। मैं छोटा सेवक, सेवक भी नहीं छोटा सेवक, और प्रधान सेवक 100 एकड़ के बंगले में है, इतना फर्क आ गया। समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। नरेंद्र भाई को पूछो ना, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती थी पर आजकल तो बातचीत होती नहीं है, इसलिए नरेंद्र भाई ने कैसे, मेरे खेत से सब्जी आती, मेरे घर में आकर भी खाते थे, और एक साल नहीं हमारा 25-30 साल तक था, इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस लिया। वह तो वही बता पाएंगे। मैं छोटा सेवक, सेवक भी नहीं छोटा सेवक, फतेहपुर में आकर आपके साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ, और प्रधान सेवक 100 एकड़ के बंगले में है, इतना फर्क आ गया। हाँ, मैं कैंसर सर्जन रहा हूँ, फिर भी आपके बीच बैठा हूँ। समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। 2022 को लेकर क्या कहेंगे हिंदुओं की? हिंदू की सरकार जो सीएम बनेगा हिंदू बनेगा, फिर हनुमान भक्त हिंदू बनेगा या राम भक्त बनेगा, पर सीएम तो हनुमान भक्त या राम भक्त ही बनेगा। कितने सीटें हैं, सीट कितनी निकाल रहे जो भी राम भक्त बनेगा? 412 पूरी निकाल लेंगे। ऐसा है, किसी भी की सीट आएगी, भाजपा की आई तो राम भक्त, अखिलेश की आएगी तो हनुमान भक्त, सब सीट तो हमारी है ना। और एक बात मेरी बात सुनो, मैं राजनीति से ऊपर उठकर जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा झुककर इस्लाम नहीं स्वीकारा, वही हमारे महंत जी है और वही अखिलेश यादव है। किसी के पुरखे ने मुगलों की तलवार के सामने सर झुकाकर इस्लाम नहीं स्वीकारा है, और नहीं स्वीकारने वाले सभी हिंदू मेरे दिल के टुकड़े हैं। हाँ, कोई दिल से थोड़े दूर है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर में है, ये हो सकता है, पर दिल के टुकड़े तो है, तो साथ में है, सब साथ में है। और देखो, भाजपा और मुलायम सिंह ने साथ में सरकार बनाई थी या नहीं, तो वह साथ में है तो मैं क्यों दूर रहूं? तो क्या लग रहा है 2022 में भी ये लोग दोनों गठबंधन करने के मूड में आ जाएंगे? ऐसा है, मुझे बताओ, पाकिस्तानी मनोवृत्ति वाली महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी या नहीं, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ बनाई थी या नहीं, मुलायम सिंह के साथ गोलियां चलाई भाजपा बैठा, राजनीति में एनीथिंग इज पॉसिबल। किसानों को फसल के दाम मिलते तो किसानों पर कर्ज नहीं होता। आज की जो किसानों की स्थिति है, फसल हमारा दाम तुम्हारा, हम कहते हैं नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फसल हमारा दाम हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। एक गांव का किसान अपना फसल का दाम कैसे तय करेगा? नहीं कर सकता है। किसको करना पड़ेगा? सरकार को। कैसे? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाकर, मेरा स्पष्ट मानना है कि कानून बनाना ही चाहिए। देरी से भी हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई 3 कानून वापस लेने के लिए मान गए, हमें देरी न किए बिना समर्थन मूल्य का कानून बनाने का निर्णय करे तो चुनाव में भी आपकी वाहवाह हो जाएगी और किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।